एक्सरसाइज 7.2। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 में आपको बस सॉल्व करना है, वेरीफाई नहीं करना है, ठीक है, वेरिफिकेशन आपको नहीं करना है। यू हैव टू ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल दिया है आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे मैं 14 प्रॉब्लम नंबर 1 पार्ट 14, ठीक है, 7x-2-8, 4-3x is equal to 37। एक बार मैं रीचेक कर ले रहा हूँ, 7x-2-8-4-3x is equal to 47, ठीक है। इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट है, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 7x-7 × 14। अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, -8 × 4 कितना होगा, 32, तो यहाँ पे 32 लिख दीजिएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 × 8 = 24। उसके बाद x = 47। उसके बाद यहाँ पे इसको हम और सॉल्व करेंगे, 7x और 24x को एक साइड में रख के इसको आप लोग उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा 7x + 24x = 47। माइनस में इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा, राइट साइड, प्लस में चेंज हो जाएगा, फिर ये माइनस में इज इक्वल टू उस साइड जाएगा, ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐड करिए 31x = 47। देखिए 40 + 1 = 50, 50 + 3 = 80, ठीक है, फिर 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, यहाँ पे हमारे पास आ गया 93। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ 31x है, मतलब 31 × x है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इज इक्वल टू के उस साइड आएगा तो डिवीजन में चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा डिवीजन में, हो जाएगा 93/31, ठीक है, 31 × 1 = 31, 3 = 93, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, और x = 3, और यही आपका आंसर रहेगा। इसमें आपको वेरीफाई नहीं करना है, बस आपको वेरिएबल्स जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी।